अरेका की आखिरी आयात कि ये क़र्न क़्यामत के दिन जो इसको नहीं मानते उनके लिए हसरत और अफ़सोस का ज़रिया बनेगा क्योंकि अल्लाह ने अपनी हजत अपने बंदों पर तमाम कर दी है एक एक चीज़ को बहुत वजाहत से बयान कर दी है उसके बाद भी अगर किसी की समझ में ना आए तो वो बदब्त है वहकुल यकीनी फसबिसमी रबी काज़ीम सूर अलह को ख़त्म किस बात पर किया कि पस ए मुखातब तू अपने रब के नाम की तस्बी बयान कर वो रब जो आजमत वाला है पिछले हफ्ते इस पर बहुत तफसील से बात हुई थी रसूल सल्ह वसम ने फ़रमाया कि अल्लाह का ज़िक्र और जो चीज़ें अल्लाह के जिक्र के मुनासिब हैं उसके अलावा सब कुछ बातिल है इस कायनत में सब बेकार है <खँँ> यानी इस पर मैंने बात की थी ना और कि जो कुछ भी हमें दुनिया में नज़र आता है जिसको हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं अल्लाह की नज़र में उसकी कीमत कितनी है दो टके फिर इस पर मैंने बयान में बताया था कि भाई इशकाल होता है ये तो बड़ी कीमती कीमती चीज़ें यहाँ पे एक एक डायमंड आपको पता है करोड़ों रुपए का बिकता है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं चार चार शादियाँ हैं बड़े बड़े बंगले हैं और अयाशी है चांद पे जा रहे हैं सूर्य और मरीख पे पहुँचने की अभी प्लाटिंग शुरू हो गई है मरीख पर एक साहब मेरे पास आए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई मरीख पे लोग प्लाट ले रहे हैं जायदादें खरीद रहे हैं और हम पेट्रोल ही को रो रहे हैं मैंने कहा भाई मरीख पे जायदादें ख़रीदो या आसमान पर ख़रीदो थोड़े दिनों में जाना कहाँ है कबर में तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोशिश मत करो इस दुनिया में जायदादें ख़रीदने वाला कहाँ जाता है हमारे लिए तो मरीख बहरिया टाउन है क्या ख्याल है हमें तो वहाँ दो प्लॉट मिल जाएं तो लोग खुशी से पागल हो जाते हैं ना तो लेकिन जो जिसने बहरिया टाउन बनाया वो बेचारा थोड़े दिनों में मर के ख़त्म हो जाएगा जो साइंसदान मार्स पे पहुंच रहे हैं मरीख पे पहुंच रहे हैं वो थोड़े दिनों में मर के ख़त्म तो ये मौत और फना फनाइत ये ऐसी चीज है जिसने इस दुनिया की वैल्यू को दो टके का नहीं छोड़ा लेकिन टके टके के लोग हमें दुनिया की वैल्यू हमारे दिल में बिठा रहे होते हैं दो दो टके के लोग जिनको खुदा काफिर कहता है जिनके लिए अल्लाह जहन्नम की वहीदों के वादे करता है वो दो टके के लोग हमें बता रहे थे हैं। बहुत बड़ी चीज है ये दुनिया कुछ भी नहीं है भाई इस पर फिर एक इश्काल तो उसको मैंने जवाब दिया था मैं ताकि ये जो आज का बयान है ना पिछले बयान से इसका लिंक हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा जिन लोगों ने ड्रामे देखते थे ना पहले ड्रामों की किस्तें आती थी तो जब जो छठी किस्से शुरू कर रहा है तो वो शुरू में देखता था पुरानी पांच किस्तों का खुलासा नजर आ जाए कहीं उसको तो अभी नए नए लोग आए हुए हैं ना तो उनको पुराना बयान से मैं जोड़ने के लिए थोड़ा सा खुलासा बयान कर रहा हूं बाज़ा वो खुलासा ही दोबारा बयान हो जाता है तो कोई बात नहीं कोई गलत बातें तो हो नहीं रही हैं टके टके की दुनिया की अगर आपके नजर में बार बार रिपीट करने से दुनिया की वैल्यू दो टके की हो जाए तो, तो फहू अलमराम वो तो मकसद है ना दुनिया की नफ़ी जितनी ज़्यादा की जाए उतना सेहत के लिए अच्छा है जिसमानी सेहत भी और दिमागी सेहत भी ये खूब समझ लो दुनिया कमाने से इंसान की टेंशन ख़त्म नहीं होती टेंशन ख़त्म होती है मोहब्बत से सॉरी टेंशन पैदा होती है मोहब्बत से और ख़त्म होती है दुनिया की मोहब्बत ख़त्म करने से देखो आप का किसी से इश्क हो गया आपको शादी उसकी कहीं और होने वाली थी या हो रही है आप टेंशन में जाओगे ना क्या ख्याल है भाई लेकिन अगर आपको कोई अच्छी नहीं लग रही आपके अब्बा ने वहां आपसे पूछा कि तेरी शादी करा दूं आपने कहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अब उसकी कहीं और हो रही है आप टेंशन में जाओगे आप बोलोगे अच्छा है मेरी जान छूट रही है यार अच्छा है ऐसा न मुझे कोई पहना दे तो जिस चीज की वैल्यू आपके दिल में होती है उसे चाहने की फिक्र भी होती है उसके छूट जाने का गम भी होता है दुनिया में आज जितनी टेंशनें जितने गम हैं उनके पीछे कोई ना कोई चाहत है जो चाहत आपकी पूरी नहीं हो रही होती उस बेस पे आप गम और टेंशन में जा रहे होते हो तो एक हल तो यह है कि आपकी सारी चाहतें पूरी करवा दी जाए ताकि टेंशन ही ना हो ये किसी के बाप में भी इस दम नहीं है दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ है जिसकी हर चाहत अल्लाह ने पूरी की हो ये मुमकिन ही नहीं है क्या आप ये चाह रहे थे ये भी मिल गया वो चाह रहे थे वो भी मिल गया ये चाह रहे थे वो भी मिल गया वो चाह रहे थे वो भी मिल गया ये ऐसा नहीं होता भाई ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा और नहीं करेंगे ऐसा तो सब आ जाएंगे फिर ठीक है तो एक हल ये होता है कि उन चाहतों को मुसलत ही ना किया जाए भाई तो मैं ये कर रहा था कि पिछले बयान में मैंने ये बात कही थी ना कि जब कुछ है ही नहीं इस दुनिया की कोई हैसियत ही नहीं है तो हम इसके हम फिर थोड़ी जितनी है वो भी ना रखे हम फिर हम क्यों अच्छे खाने की फिक्र करते हैं अच्छे लिबास की फिक्र करते हैं अच्छे घर की फिक्र करते हैं तो मैंने बताया था ना कि मुसाफिर खाना है मुसाफिर खाने में सफर अच्छा गुजर जाए तो ज्यादा सहूलत से गुजर जाता है और इबादन फुताना तो अल्लाफित नजरू इलम लईसतिन वताना जालूतहा सूफुना इमाम शाफी का बड़ा खानदानी शेर है कि अल्लाह के कुछ अक्लमंद बंदे ऐसे हैं इ लाही इबादन फताना तोलुद दुनिया व खाफुल ख़ाफुल्फिताना उन्होंने दुनिया को तलाक दे दी इसलिए कि उनको डर था ये हमें बर्बाद करेगी जब उन्होंने देखा ना लोग फ़लाँ भी टेंशन में फ़लाँ भी टेंशन में फ़लाँ डिप्रेशन में उसको डिप्रेशन इस चीज़ की कि वो नहीं मिली उसको इस चीज़ की मेरा बहरिया टाउन में प्लॉट नहीं है उसको इस चीज़ की कि मेरी सेहत क्यों ठीक नहीं हो रही दवाएं खा रहा हूँ पेट ही ठीक नहीं हो रहा कैंसर ठीक नहीं हो रहा मैंने कैंसर के पेशेंट भी पागल होते हुए देखे हैं जिनको डॉक्टर ने बता दिया आप छः महीने तक जिंदा रहेंगे उसके बाद मर जाएंगे वो बेचारे पहले ही मर गए गम से तो बीसियों किस्म के गम है इंसान को और आप समझते हो गरीबों में गम ज्यादा है ये बिल्कुल गलत है गमों का रेशो दौलतमंदों में ज्यादा है आज एक नफसियाती डॉक्टर आए ना बाहर मुल्क में पढ़ रहे हैं अभी लड़का है बन रहा है तो मैंने उसको वो मुझे कह रहे थे कोई नसीहत करे मैंने एक नसीहत की मैंने कहा देखो नफसियाती डॉक्टर के पागल होने का चांस दूसरों से ज्यादा होता है नफसियाती डॉक्टर के पागल होने का चांस दूसरों से ज्यादा होती है में रखना क्योंकि नफ्सियात बहुत पेचीदा इल्म है इसके लिए जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई जहीन ना हो ना उस वक्त तक पढ़ना ही नहीं चाहिए इसमें बहुत ज्यादा कोई जहीन होगा ना तो ये पढ़े इल्म वरना वो क्योंकि बहुत सी सादा चीजों को जब हम पढ़ते हैं ना तो पेचीदा होती चली जाती हैं वो तो क्या होनी चली होती चली जाती हैं पेचीदा तो इसलिए दिमाग है तो पढ़ो वरना खुद पागल हो जाओगे दूसरी बात यह पढ़ना चाहिए मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़े बड़े काम की चीजें भी होती हैं उसमें लेकिन खोपड़ी जिसकी होगी वो पढ़े वरना नहीं पढ़ो भाई यार नॉर्मल रहो सीधे 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 नहीं पागल हो गए इन ऐसा ना हो दूसरों का इलाज करते करते खुद क्या हो जाओ खुद आड़े तिरछे हो जाओ तो ये बहुत जहीन लोगों का काम है नफसियात पढ़ना दूसरी बात ये कि नेचर से कभी बगावत नहीं करना क्योंकि ये लोग बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं मैंने कहा गोरा खुद पूरा ठीक नहीं है वो तुम्हें कहां से ठीक करेगा पूरा वो खुद आड़े तिरछे हैं डिप्रेशन के पेशेंट हमारी नस्बत वहां ज्यादा है खुदकुशी का रेशो हमारी नस्बत वहां ज्यादा है तो वो अपनी सोसाइटी को तो बचा नहीं सका हमें क्या बचाएगा वो तो मैंने कहा वजह उसकी है कि नेचर से बगावत किससे बगावत है ने, नेचुरल लाइफ तो हमारी है उनकी थोड़ी है अच्छा फिर मैंने उनसे मैंने बताया कि देखो बच्चों में नफसियाती बीमारियों का केसेस मालदारों में ज्यादा गरीबों में कम है ये बताया आपको गरीबों के बच्चे बड़े होशियार होते हैं बहुत कम नफसियाती केसेस होते हैं गरीबों में मेरे पास जो आते हैं ज्यादा मालदारों के केस आते हैं वजह उसकी है कि बच्चों को बचपन में इतना ज्यादा लाड प्यार मिला होता है गरीब तो दो थप्पड़ लगा के अपनी ठरक पूरी कर देता है <laughs> गरीब के पास पैसे तो होते नहीं है अब देखो गरीब का बच्चा गरीब के पास आया अबू अब मुझे ये खाना है लॉलीपॉप खानी है मुझे गोला गंडा खाना है इंडिया वालों को गोले गंडे का ही नहीं पता क्या होता है वो कहते हैं नीचे कमेंट्स में लिखे होते हैं गोला गंडा क्या होता है तो गोला गंडा खाना है मैंने ये खाना है गरीब क्या करेगा एक चंबा लगा देगा बोलेगा जवाब है वो नफ्सियाती डॉक्टर से नहीं पूछेगा कि एक्चुअली डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ना मुसलसल गोला गंडा मांग रहा है मुझसे तो मुझे लग रहा है इसको कोई प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर आएगा मुआयना करेगा चेकअप करेगा मेडिसिन लिख के देगा और क्या एक्चुअली आप बच्चों को मोटिवेट करें काउंसलिंग करें कि गोले गंडे नहीं खाएं वो कुछ और खा लें गरीब के पास ना पैसे होते हैं ना मशवरे का टाइम होता है ठीक है वो क्या करेगा दो तो लगाएगा उधर जाकर और बच्चे भी ज्यादा होते हैं गरीबों के तो बच्चे भी ज्यादा होते हैं तो बच्चा मशहूर भी हो जाएगा बहन भाइयों में बिजी हो जाएगा क्योंकि बहन भाई बहुत है उसके एक थप्पड़ खाएगा और बड़ा वाला है तो छोटे वाले को पार्सल कर देगा वो हमें याद है हमारे बड़े भाई को जब डांट पड़ती थी तो पार्सल किधर होती थी छोटे वाले में पार्सल होती थी तो वो छोटा वाला अगले वाले को पार्सल करता है हम स्कूल में लाइन में खड़े होते थे ना ये खेल खेलते थे हम जो सबसे लाइन में पीछे होता था ना अगले को एक गुद्दी पे रख के मारता था वो गुस्से में पीछे देखता हम कहते पार्सल कर दे आगे क्या कर दे वो अगले वाले को लगाता था और वो गुस्से में पीछे मुड़ता कहते पार्सल कर तो वो घूम घूम के ना तपेड़ा आखिर में जाके लगता था वो खैर तो मैंने कहा भाई नेचुरल माहौल में जो है ना नेचर से बगावत मत करो तो वहां क्या होता है कि बच्चों पे बिल्कुल बच्चे ज्यादा मार खाने से भी बिगड़ते हैं वो भी पागल हो जाते हैं वो भी ठीक नहीं है लेकिन लाड प्यार से भी क्या हो जाते हैं बहुत ज्यादा लाड प्यार कुछ बोल ही नहीं रहे उनको तो वो भी तो वजह उसकी है कि देखो जैसे आपकी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है ना अगर आप बहुत ज़्यादा बचने की सेहत की फिक्र करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि फिर कभी कोई ज़रा सी कोई उल्टी सीधी चीज़ गई आप बीमार यानी आप में वही बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं रहती तो बिल्कुल इसी तरह दिमाग की हालत है कि जिस खोपड़ी ने कभी टेंशनें ना उठाई हो बचपन में उसमें फिर टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो जाए बच्चा जब बन रहा होता है ना हर हर चीज़ उसमें उसके सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं अगर उसको टेंशन ही नहीं, दी, नहीं दी है, तो टेंशन बर्दाश्त करने वाले सॉफ्टवेयर पैदा ही नहीं होते उसमें पैदा बचपन में ही हो जाएंगे जो होना है फिर वो टाइम के लिहाज से अपग्रेड होते रहते हैं अगर पैदा ही नहीं हुए उसने कभी डांट भी नहीं खाई वहां तो डांटने पर पाबंदी मारने पर पाबंदी और इतनी सख्तियां कि वो नहीं हो सकती वो फिर बच्चे में वो क्वालिटीज पैदा नहीं होती हैं छुई मुई बन जाता है बिल्कुल वो तो और फिर बदतमीज़ भी बन जाता है बाज दफ़ा बच्चा बाप का अहतराम ही नहीं जानता माँ का अहतराम ही नहीं जानता बड़े मसाइल हो जाते हैं तो मैंने कहा भई आप क्योंकि वहां पढ़ रहे हो ना बाहर मुल्कों में तो ऐसा ना हो कि आप उन्हीं को हर चीज़ में अपना बाप मानना शुरू कर दो और जो इस्लाम ने एक बैलेंस हर चीज़ में रखा है हमारे नबी ने तो हमें हुक्म दिया कि बच्चा सात साल का हो तो नमाज का हुक्म दो जब दस साल का हो जाए फिर भी नहीं पढ़ता अब उसके चित्रौल लगेंगे अब नहीं होता कि बेटा तू क्या खिला हम रहे हैं हर वक्त गोले गंडे के कभी पैसे मांगने आ जाता है कभी क्या तू नमाज तो पढ़े कम अज़ कम तू बच्चा जब नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह का हक पहचानेगा तो माँ बाप का हक भी पहचानेगा सोसाइटी के हकूक़ भी पहचानेगा तभी उन लोगों में उस कल्चर में तमाम हकूक ख़त्म सिर्फ रियासत के और स्टेट के हकूक रह गए हैं उस पर उन्होंने पकड़ा हुआ है उनको कि रियासत की मान के चलो लोग टैक्स टाइम पे देते हैं इस पर फ़ख्र है इस पे फकर नहीं है कि बाप को एक ढेला नहीं खिलाते हमारे यहां टैक्स नहीं देगा गलत कर रहा है लेकिन जितना टैक्स बनता है ना उससे 20, 40 गुना ज्यादा अपने मां बाप को खिला चुका होगा हमारे यहां टैक्स टाइम पे नहीं देगा लेकिन उससे बीसियों गुना ज्यादा बहन भाइयों को खिला चुका होगा बच्चों को खिला चुका होगा बीवी को खिला चुका होगा गरीबों को खिला चुका होगा पड़ोसियों को खिला चुका होगा ईदी सेंटर में जमा करा चुका होगा मदरसों में दे चुका होगा 20-20 साल से हमने ऐसे ताजरों को जानते हैं हजार हजार मदरस बच्चों के ना खाने दो टाइम पर खिला रहे हैं वो अपने खर्चे पे तो टैक्स बी सीओ गुना ज्यादा रकम बनती है समझता है बात को टैक्स क्यों नहीं देते लोग वजह उसकी है कि लोगों को पता है कि टैक्स हम पे इस्तेमाल ही नहीं होता ना तो अगर हुकूमत सही हो जाए ना तो लोग मेरा ख्याल है टैक्स भी देना शुरू कर देंगे शायद वल्लम चलो अब आगे चलते हैं हम तो मैं बात यह अर्ज कर रहा था कि आप जो है जब तक दुनिया अच्छा दुनिया की मोहब्बत भी उस कल्चर में बहुत पैदा होती है तो उनका तो खुदा है ही दुनिया वो कहते हैं माय दुनिया में किस लिए इंजॉय करने के लिए तो जब आपका दिमाग ही ये बन जाएगा दुनिया है ही मज़े की जगह तो ये दुनिया में सबसे पहला अजाब पता है क्या मिलता है यहाँ मज़े के अलावा सब कुछ मिलता है आप ये अल्लाह का ने निज़ाम ऐसा बनाया है दुनिया का सिस्टम ऐसा बनाया है जो मजे के लिए ख्वाहिशात के पीछे भागेगा उसको मजे के अलावा सब कुछ मिलेगा आप कह सकते हैं भाई अगर मजा ना मिल रहा होता उसको ख्वाहिशात पूरी करने में तो वो मजे के पीछे भागता क्यों मिलता है तभी तो फिर आगे मजीद भागता है और आप कह रहे हैं कि ख्वाहिशात पूरी करने से मजा बोलो नहीं मिलता देखो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मैं बार बार एक मिसाल समझाता हूं चर्सी और हीरोइन ची ज्यादा मजे में होते हैं या वो लोग जो हीरोइन और चर्स नहीं पीते बोलो ना चर्सी हीरोइन ज्यादा मजे में होते हैं वो ज्यादा मजे में होते हैं तो फिर आप चर्सी बन जाओ है? नहीं होश नहीं होता उनको वो मजे में नहीं होते सिर्फ उस वक्त मजे में होते हैं जब पी रहे होते हैं जब क्या कर रहे होते हैं पी रहे होते हैं वरना उनकी जो हालत होती है ना जिस तरह से वो हमने तो हीरोइन जी कराची में जो भी रहेगा हीरोइन जी बहुत देखेगा वो अब पता नहीं कहां चले गए या तो इंतकाल हो गया सबका हीरोइन पीपी के अब इतने नजर नहीं आते पहले बहुत नजर आते थे हीरोइन जी या बरसाती नाले ही टूट गए हैं यानी हीरोइनशीओ के बैठने की जगह भी अब नहीं बची है पहले जी बहुत होते थे हमें नजर आते थे ऐसा जिसम टूटता है ना उनका ऐसे अजाब में होते हैं तो हम सिर्फ उनका थोड़ी देर का मजा देखते हैं कि यार कितने मजे में है सुकून में है भाई वो उस मजे ने उसके मजे खराब कर दिए हैं जो हीरोइन नहीं पीता वो नॉर्मली किसमें होता है खुशियों में होता है सुकून में होता है सारा दिन ना मिले कुछ भी नहीं है मजे से बैठा रहेगा वो दुनिया की